जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है मशीन साइकिल। तो आज हम मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो मशीन साइकिल होता क्या है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। तो माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो इसमें हम जानेंगे क्या इसका डेफिनेशन होता है, क्या इसका उसमें क्या होता है इसका मतलब, ये देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन एक जनरली देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाई माइक्रो प्रोसेसर टू कम्प्लीट एन ऑपरेशन ऑफ एसेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल। इसका देखिए जनरली मतलब क्या है कि वो टाइम, कितना टाइम लगा एक माइक्रो प्रोसेसर को क्या कंप्लीट करने के लिए, एक ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मेमोरी इनपुट या आउटपुट या मेमोरी रीड राइट का ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एक ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टोटल टाइम लगा होता है उसे हम बोलते हैं मशीन साइकिल। अभी अब नीचे पूरा डिस्कस करेंगे अभी आपसे। उसके बाद देखिए क्या है, वन टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, कोई भी टाइम पीरियड का एक फ्रीक्वेंसी जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का उसे हम बोलते हैं टी स्टेट। अब टी क्या है, यहाँ पे हमारा ट्रिगर है, ट्रिगर स्टेट। आप देखेंगे कुछ ट्रिगर स्टेट जैसे ऑपकोड फेच, 4 और 6, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इसके 3 दिन। अभी हम देखेंगे इसका कैसे होता है। तो एक आपसे सिंपली एक एग्जाम्पल देते हैं पहले आप समझने के लिए। मान लीजिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये कोई भी आपका एक, मान लीजिए आपका ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आपका आयो डिवाइस, और आप ये मान लीजिए कोई आपका ये एक मेमोरी है। तो देखिए कि जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर, अब इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, इनपुट डिवाइस आपका जैसे कोई भी कीबोर्ड हो गया, या कीबोर्ड आप इनपुट दे सकते हैं, या स्कैनर के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, या कोई भी एसेसिंग एसेसरीज के थ्रू दे सकते हैं इनपुट। तो हमारा इनपुट होता है जो भी इनपुट डिवाइस, जो कुछ किसी भी वे से हम उस प्रोसेसर को इनपुट दे सकते हैं, इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। और मेमोरी में क्या होता है, स्टोर करना एड्रेस को, एड्रेस में जाके वहाँ सर्च करना, ये सारा चीज़ है। लेकिन जो मेन फंक्शन, जो मेन मूल रूप जिसका काम होता है, वो किसका होता है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि वो पूरा कंट्रोल करता है, जैसे होता है ना कि आप देखेंगे कंप्यूटर में कैसे वो सीपीयू पूरा हैंडल करता है, वैसे ठीक ही माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है कौन सा एड्रेस भेजना है, कौन सा एड्रेस नहीं भेजना है, वो सारा चीज़ क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए हम जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, जब भी आप माइक्रो मेमोरी से, मेमोरी में क्या होता, क्या होगा डेटा, कि मेमोरी में डेटा आप या तो लेंगे डेटा या तो आप डेटा देंगे। तो जब भी आप मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेंगे, कहां मेमोरी में लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी, उसको राइट बोलते हैं। तो समझिए, जब भी आप डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में लेंगे, जब भी देखिए मेमोरी है तो या तो आप डेटा ले सकते हैं या डेटा दे सकते हैं। तो जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर से डेटा कहाँ पे ले रहे हैं, अपने इस मेमोरी में ले रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी राइट। अब जब भी डेटा आप मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड। तो जब भी डेटा आप मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड। और जब भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर से लेंगे, तो बस समझिए सिंपली मेमोरी क्या करता है, या तो डेटा लेगा या डेटा देगा। जब भी डेटा ले रहा है तो उसे राइट बोलेंगे, और जब भी डेटा दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीड। ठीक वैसे ही सिंपली इसमें भी होगा, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में जब इनपुट वाला, जब इनपुट डिवाइस डेटा लेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, मेमोरी राइट। अभी जब भी हमारा डेटा, जब इनपुट आउटपुट डेटा दे रहा होगा, डिवाइस दे रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी रीड। तो सिंपली देखिए जनरली क्या है मीनिंग, कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर से आप डेटा लेंगे, तो डेटा जब ले रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो उसे हम बोलेंगे मेमोरी राइट। और जब भी डेटा मेमोरी राइट नहीं सॉरी यहाँ पे हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट रीड बोलेंगे।
इन अ राइट आयो राइट इसे बोलेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इसे हम बोलेंगे क्या आयो राइट बोलेंगे। मेमोरी रीड तो हमारा यहाँ पे जब मेमोरी में जा रहा है तो मेमोरी हो जाएगा, जब इनपुट आउटपुट में जा रहा है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस रीड हुए हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी डेटा कोई ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे राइट बोलेंगे। जब भी डेटा किसी को जब दे रहा है, देखिए जब देना क्या होता है, दे रहे हैं आप डेटा तो उसको रीड करने के लिए दूसरे वाले को सामने वाले को दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे मेमोरी रीड। जब भी डेटा अपने ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे राइट। जब हम लिखते हैं कुछ भी तो क्या करते हैं अपने लिए रखते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब हम आएंगे इस टेबल पर, जो आपका ये टेबल था, आप बोलेंगे कि ये सर ये टेबल क्या है 3433 ये क्या है। अब हम देखिए आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर में आपका जब भी माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या कोई भी एड्रेस आपके इसके पास आया तो माइक्रो प्रोसेसर पर मान लीजिए कोई भी एड्रेस आया 1234 मान लीजिए कोई भी एक सिंपली एक एड्रेस आया तो उसे क्या करेगा उसको कहीं ना कहीं जनरेट करने के लिए उसको पहले देखिए टी स्टेट क्या है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर को आपको 1234 एड्रेस 1234 एड्रेस आया तो उसको जनरेट करने के लिए एक तो टाइम स्केल चाहिए जो कि जिसे हम बोलते थे क्या टी स्टेट। अब टी स्टेट का मीनिंग क्या होता है जनरली ट्रिगर साइकिल। तो ट्रिगर साइकिल तो हमको माइक्रो प्रोसेसर को भी क्या करना होगा ये एड्रेस जनरेट करने के लिए कोई ना कोई एक ट्रिगर साइकिल चाहिए तो उसे हम बोलते हैं। अगर उसको देखिए पहला ट्रिगर साइकिल कहाँ आया हमारा पहला जिसको हम T1 बोलेंगे ट्रिगर साइकिल क्या आया इसको जनरेट करने के लिए जो ये डेटा हमारा है उस डेटा को जनरेट उस एड्रेस को जनरेट करने के लिए हमको T1 जो क्या लगा ट्रिगर साइकिल टाइम स्टेट लगा उसे हम बोलेंगे पहला टाइम स्टेट। तो पहला एड्रेस कहाँ लगा हमारा हमको जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ जब एड्रेस ये जनरेट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं हमको लॉक करना होगा क्योंकि उसको रखना होगा क्योंकि हमको जो उस डेटा को जब से उसको जनरेट कर लिए तो उसको लॉक करना होगा वहीं पे नहीं तो वो तो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमको दूसरा ट्रिगर साइकिल लगता है जो क्या लगता है उसको हमको लॉक करने के लिए। अब देखिए अब जब लॉक कर लिए तो डेटा हम यहाँ पे जो जनरेट किए हैं ये वाला डेटा जो जनरेट किए हैं तो उसको हमको कहीं ना कहीं वो देने के लिए दिए हैं ना मेमोरी राइट में मेमोरी राइट के थ्रू हम उसको मेमोरी में दे या ले तो इसको जब लेन देन वाला कॉन्सेप्ट आता है जब कॉन्सेप्ट आता है किसका गिव एंड टेकन वाला तो उसमें हमको एक ट्रिगर साइकिल लगता है। तो उस ट्रिगर साइकिल को हम क्या बोलते हैं T3 मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है ऑपरेशन उसमें आपका होता है कि आप उस डेटा को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो गिव एंड टेकन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा तीनों क्या लगता है T3 लग रहा है ना कि एक T1 लगा जनरेट करने के लिए डेटा और T2 लगा हमारा टाइम कि लॉक करने के लिए उस डेटा को जब माइक्रो प्रोसेसर हमारा डेटा जब ले लेता है तो उसको लॉक करने के लिए हमारा T2 स्टेट लगता है। फिर तीसरा स्टेट क्या होता है जब वो माइक्रो प्रोसेसर आपका डेटा ले लिया तो उस डेटा को देने के लिए दूसरे को जैसे मेमोरी राइट को देने के लिए या इनपुट को आउटपुट डिवाइस को देने के लिए तो उसको जब दे रहे हैं तो ले रहे उसमें भी तो ट्रिगर टाइम लगेगा। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 3T आ गए। तो इसीलिए यहाँ पे जो टेबल में देख रहे हैं ना कि मेमोरी रीड राइट इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट इसमें टोटल कितने साइकिल 3 है ना। अब पूछेंगे आप सर कि सर ये हमको ये ऑब्जेक्ट फेच वाले में क्यों हमारा 4 और 6 हो रहा है तो इसका भी रीज़न है क्योंकि देखिए हमारा कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो 3 चीज़ों पर रन करता है। पहला क्या होता है हमारा कोई चीज़ को फेच करना कोई जैसे कोई भी एड्रेस उसे फेच करना फिर उसके बाद उसको क्या करना डीकोड करना फिर उसके बाद क्या होता है एग्जीक्यूट करना। कोई भी चीज़ हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 3 चीज़ों पर ऑपरेशन करता है या तो डेटा को फेच करें F का मतलब क्या है हमारा फेचिंग द डेटा फेचिंग द एड्रेस फिर उसको डीकोड करें जिस लैंग्वेज में उसको चाहिए फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट क्या होता है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि अब देखिए अब यहाँ पे हमने तो 3 साइकिल कर दिया डेटा को दे दिया जैसे यहाँ पे एड्रेस हमने 3 साइकिल में हमने देखा था ना कि कैसे जनरेट कर रहे थे कैसे उसको लॉक कर रहे थे फिर कैसे उसको गिव एंड टेकन उसको कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस में दे रहे थे कैसे उसको मेमोरी डिवाइस में दे रहे थे। तो अब चौथा क्या लगता है इसमें चौथा जो एक साइकिल लगता है ये ऑपकोड फेज में ऑपकोड में चौथा लगता है कि आपको जब आप डेटा दे दिए तो उसको डीकोड भी करना पड़ता है क्योंकि आप डेटा तो दे दिए अब वो किस लैंग्वेज में समझ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो उस डेटा को जब दे ले लिया तो उसमें एक
ट्रिगर साइकिल हमारा किसके लिए लगता है, उसको वो क्या करने के लिए, डिकोड करने के, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइकिल लगता है T4। तो इसीलिए टोटल देखिए हमारा जो पहला क्या था, जनरेट करने के लिए, लॉक करने के लिए, फिर उसको गिव एंड टेक लेन देन करने के लिए, और चौथा ट्रिगर साइकिल लगता है हमारा किसके लिए, डिकोड करने के लिए। तो ये इसलिए यहाँ पे हमारा 4, और कुछ केसेस में 6 भी आते हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि क्या ट्रिक्स है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जिसमें 6 ट्रिगर साइकिल लगता है। अब देखिए डिकोड किसे करना है, हम देखिए बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि 8 बिट ट्रांसफर हम कर रहे हैं, तो 8 बिट डेटा को डिकोड करने के लिए हमको जो ट्रिगर साइकिल लगता है उससे T4 बोलते हैं। तो T4 समझिए जनरली मतलब क्या हुआ हमारा कि ऑपकोड में, इसलिए हमारा चौथा ट्रिगर साइकिल इसलिए लगता है क्योंकि हमको उस डेटा को डिकोड करना होता है। फिर डिकोड करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं फेस तो कर ही लिए, डिकोड भी हो गया, अब एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये हमारा सिंपली प्रोसेस है टोटली कि कैसे हमारा प्रोसेस वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे अब मशीन साइकिल हमारा टॉपिक था, अब देखिए कितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा मशीन साइकिल का कि देखिए जो इनपुट आउटपुट रीड वाला था उसको 3 टाइम लगा। तो देखिए हमें हमारा क्या एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना यहां से कि हमने कैसे यहां पे हमने कैसे जनरेट किया, लॉक किया, गिव एंड टेक किया। तो इसी को हम बोलते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को, कोई एक ऑपरेशन को परफॉर्म कंप्लीट होने के लिए जो हमारा टाइम लगा उससे हम बोलते हैं मशीन साइकिल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मशीन साइकिल। कोई भी देखिए ये भी आपका ये हो सकता है, कोई एक ये मशीन साइकिल हो सकता है, या तो आपका मशीन साइकिल ये भी हो सकता है, या तो ये भी एक मशीन साइकिल हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे मशीन साइकिल। जैसा डेफिनेशन में देखिए वही चीज लिखा था, कोई भी टाइम रिक्वायर्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ऑपरेशन को, कि या तो मेमोरी से देखिए यहाँ पे या तो वो मेमोरी से कंप्लीट करे या तो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से करे। तो देखिए वही चीज़ हमारा डेफिनेशन में भी लिखा था कि कैसे एसेसिंग करे मेमोरी से या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से, उसी को हम बोलते हैं क्या मशीन साइकिल। ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है मशीन साइकिल का। आपको होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बेटर था, तो आप इस चैनल को दूसरे के साथ भी शेयर करें कि दूसरे को भी नॉलेज मिले। जय हिंद।